ठीक है ताज हनुमान जी, आप उन्हें आदर के सहित मेरे पास लेकर आए। जो मेरी शरण में आता है मैं उसे अभय कर देता हूँ। खेता विवेचन जी, आपका लोग असरों के बीच में कैसे निर्वाह होता है? उसी प्रकार मैं निवास करता था। लाल वाले जिनकी कोई गणना ही नहीं है, देखिए अवश्य करते रहते हैं। तो हम भी अन्न खाते हैं लंका का। राजा हमारा रावण, चाहे वो चोर हो चाहे पापी हो, इससे हमें मतलब अच्छा ठीक है, लेकिन जो हमसे कहेगा तो हमको करना पड़ेगा। है इसको और हमने अगर किया तो कौन सा गलत किया? है इसको तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन सुनो, पापी का अन्न खाने से ये जीव आत्मा पापी हो जाती है, इसलिए तू छोड़ दे और चला प्रभु की शरण में। तू नहीं तेरा सारा परिवार तर जाएगा। अच्छा और अच्छा ये बताओ, तुम तर रहे हो? हाँ नहीं तर रहे हो? तर रहे हैं। कहाँ तर रहे हो? हमारे सामने खड़े हो बता रहे, तर रहे हैं। तुझे क्या मालूम, जब प्रभु श्री राम की शरण में आ गए तो सारे संसार का सुख तुम्हारे चरणों में आ जाए। तो आए तो है हम और समझा देना कि यदि अपने राक्षस वंश की भलाई चाहते हैं तो आकर के तुम्हारी तरफ से प्रभु श्री राम के शरण में हो जाए, सारे अच्छा राक्षस वंश की का कल्याण हो जाएगा। हनुमान जी ऐसी बात जानते हो, हमारे एक से एक राक्षस है, तुरंत आपका मुख रखेंगे, मुख में पता ही नहीं चलेगा मुझे कहा गया। नहीं मैंने आपको नहीं बताया, मैं बता रहा हूं राम की सौगंध आपको अपने घर से भैया चलो चलिए। हम है भिखारी दयालु भगवान शरण, तुम हमारे समुद्र आज की कुल गुरु है, इसलिए हमारी इच्छा तो पहले ये कह रही है कि आप समुद्र देव की आराधना करें, उनसे रास्ता मांगे, वो रास्ता अवश्य आपको दे दूंगा। मैं ऐसा ही करूंगा, जो काम से भी करना है और ये भी जो बातों से लता का भूल नहीं मानते, इन कौड़ी कौड़ी बातों से चाहे जहां था ना और ही तो उनका सब हार होगा, फिर सागर महासागर आकर चरण छोड़ होगा। नहीं लक्ष्मण, तू हमेशा क्रोध में क्यों सोचते हैं? मुझे लगता है कि समुद्र हमें अवश्य रास्ता देगा। आइए।